अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम वसीम भाई के सेटअप पे तशरीफ़ लेके आए हैं यहाँ पे। अब आपको हम फ्रीजेंट मोर और असील मुर्गे उनकी वैराइटीज़ वगैरह दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से फॉर सेल हैं और कौन से जो उनसे शॉप करवाएंगे आपको भाई, और उसकी डिटेल वगैरह भी बताएंगे। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है। बाकी वीडियो को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और उनसे डिटेल लेके देते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल चाल है आपका। फर्स्ट क्लास। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को बताएं ये मोर के शौक के बारे में, बिजनेस के लिहाज से ये कैसा है और शौक करना इसका कैसा है। इन्वेस्टमेंट है काफ़ी इसकी, इसके बगैर तो मुश्किल है। बाकी बीमारी इनमें कम है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। वह पिंजरे बने होने चाहिए, उसमें आप रखें इनको, ये सही रहते हैं, कोई मसला। ऊंचे पिंजरे इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं या चौड़ाई में ज़्यादा। ये लंबाई में अगर ज्यादा होंगे ना तो बेहतर है। अच्छा, लंबाई के हिसाब से पिंजरे इनके लिए बेहतर है। तो इनके ब्रीड के हिसाब से अगर बात करें तो ये सीजन में कितनी दफा ब्रीड करते हैं और सीजन कौन कौन से इनका। मार्च से सितंबर तक 10-15-30 अंडे देंगे। अच्छा, और 10-12 बच्चे इनके निकलते हैं, जो बच्चे हैं बड़े हो जाए सही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी चीज है, जंती परिंदा खूबसूरत है, थोड़ा सा दाना खाते हैं चले जाते हैं, मुर्गा नहीं राजता, ये राज जाते हैं। सही। तो अगर बात करें इनके बच्चों की तो बच्चे आपके पास कब तक अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चे मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह आ जाएंगे। मार्च अप्रैल में बच्चे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो कौन कौन सी नस्ल के हैं ये। ये ब्लैक शोल्डर ही है इस वक्त मेरे पास, लेकिन वाइट में, वाइट में, ग्रीन जावा में, महंगे भी हैं इनमें। अच्छा, ग्रीन जावा 5 लाख का जोड़ा है बड़े वाला। सही। बच्चे इनके 13-13, 15-15 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में बच्चे मिल जाते हैं महीने के। सही। ग्रीन जावा के ये वाले बच्चे सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये इसके बच्चे कितने तक के अवेलेबल हो सकते हैं। 3,000 से 5,000 रुपये तक इनके बच्चे जो है ना ये आम मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे महीने वाले मर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वायरस वगैरह, कोई वायरस वगैरह आ जाता है, रानीखेत हो सकती है। रानीखेत अच्छा। की वैक्सीन करवा दें तो उसके बाद ये सही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपके पास कौन कौन से फॉर सेल हैं। ये ब्लैक शोल्डर के बच्चे हैं 7 साल के। अच्छा, ये कितने साल का है वैसे। ये 3 साल का है। अच्छा, इसके बच्चे इतने इतने ही हैं 7 साल के। अच्छा, तो वो मार्केट में अगर 15-15 के हमारे से 12-12 हज़ार में मिल जाएंगे। सही। इस वक्त ये सारे दीवारों के ऊपर बैठे। हाँ जी, ये नजर आ रहे हैं, वो ये देख सकते हैं रात को, ये मोर रहते हैं, ये बड़ा है, ये ब्रीडर है हमारे पास। अच्छा, तो ये इस तरह से अपना कलर वगैरह कितनी एज में निकालता है। ये 1.5 साल में। 1.5 साल में निकालता है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त छत वाली साइड पे चढ़े हुए हैं तो ज्यादा मजीद क्लोज तो दिखा नहीं सकते, तो इस तरह ही आपको मैनेज करना पड़ना है। एक वो भी है, ये बच्चे है या ये कितना है। बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आगे 7 साल के, ये बच्चे हैं। सही। फॉर सेल है। फॉर सेल है। ये नीचे भी आया हुआ है। इसके अंदर मेल फीमेल का क्या हिसाब होता है। ये मादी है। अच्छा, सीना सफेद है। हाँ। और दूसरों का ब्लैक होता है। सही। नर का ब्लैक है और इनका वाइट है। सही, ठीक हो गया। तो अच्छा, असील मुर्गे भी हैं हमारे पास और ये फिजेंट भी हैं। सही। तो ये असील मुर्गे भी फॉर सेल है। फॉर सेल है। सही। तो ये अभी मुर्गियाँ, ये कितने के एज की होंगी मुर्गियाँ। ये भी 7 साल की। 7-7 साल की। 7 साल की। अच्छा, 7 साल की, ठीक होगा। एक ये मुर्गी है, फिर उसके बाद एक ये बड़ी भी है और इनका मुर्गे भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये अभी डर के अंदर की तरफ चले जाते हैं। एक ये मुर्गा है, एक इस तरफ है ये पेयर, और अच्छा, तो व्यूअर्स ये फ्रीजेंट है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये काफ़ी हेल्दी हैं, एक्टिव भी हैं। ये अडल्ट है जी, साल के हैं। सही, साल के ये हैं, अडल्ट हैं इस वक्त। और एग लेइंग वगैरह इनकी स्टार्ट हो गई भी है। नहीं, मार्च में शुरू हो। मार्च में शुरू होनी है, ठीक हो गया। तो इसके ये पेयर वैसे फोर सेल है या शौक के लिए रखा हुआ आपने। सेल के लिए। सेल के लिए। सेल के लिए, ये भी सेल के लिए है। अगर इसके अलावा बच्चे चाहिए हों, इसके बच्चे अप्रैल मई में मिलेंगे। अप्रैल मई में बच्चे भी भाई अवेलेबल करवा देंगे। तो बाकी इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो वहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो
बाकी अब आप ये देख ही सकते हैं पैर। अच्छा तो हमें अपना नंबर भी बता दें और रब्ता किस तरह करें, आपसे किस वक्त अवेलेबल होंगे? 0323-78-76-820 मेरा नंबर है, इमरान वाट का। हाँ जी, और ये पौधे भी फॉर सेल हैं। अच्छा, तो ये सारे पौधे भी कंगी पाम है, ये दूसरे एरोकेरिया है, सही है, और कैन पाम है, ये सारे फॉर सेल हैं। सही, ये सारे पौधे फॉर सेल हैं, तो जिस ने भी लेने हो वो रब्ता कर सकता है। 25 साल के, 15 साल के, 10 साल के हैं, फॉर सेल हैं, बिल्कुल। वैसे बेसिकली चैनल तो हमारे जानवरों का है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो अपने फार्म में लगाने के लिए तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने पौधे वगैरह रखे हुए हैं? नहीं, यही बस, यही इसी तरह के ही हैं। सही, ठीक हो गया। तो बाकी अब आपको दिखा दिया है मोर, आपको इनसे अवेलेबल हो जाएंगे। मुर्गे भी अवेलेबल हो जाएंगी, अवेलेबल है। और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास अवेलेबल हो सकती है जो आप व्यूअर्स को दे? बस यही तीन चार, अभी यही तीन चार चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द इनके जब चिक्स वगैरह निकलेंगे तो तब भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे।